और इसी मई 9 के वाकये को मद्देनजर रखते हुए मेरे वालिद साहब ने आज से एक दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पेरेंट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम में वापस जाने का ऐलान किया था और उनके इस फैसले का मैं पाबंद हूँ, उनके हर फैसले का मैं पाबंद हूँ और इंशाल्लाह उनके साथ अपनी पेरेंट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम में वापस जा रहा हूँ। आज से 1.5 साल पहले इमरान खान साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमारी पार्टी में एक रिफ्ट आई थी। उस रिफ्ट में मैंने पीटीआई के साथ अलायंस कर ली थी और आज उस अलायंस को ख़त्म करते हुए, क्योंकि ये जो कुछ मई 9 को हुआ था ये अनफॉरगेटेबल है और अनफॉरगिवेबल है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज ये मैंने फैसला किया है कि जो अलायंस थी मेरी पीटीआई के साथ उसको हम ख़त्म करते हैं और अपने वालिद साहब के साथ अपनी पेरेंट पार्टी में वापस जा रहा हूँ। चौधरी शुजात हुसैन साहब इस पार्टी के हेड हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, इंशाल्लाह ताला उनसे मुलाकात करके अगली गाइडलाइंस भी लूँगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ऐसे हमारे से ही फैसले हुए थे जो आज वक्त के मुताबिक गलत साबित हो रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि जो मेरे वालिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की थी उनके ऊपर मैं अमल करके दिखाऊं, उनके साथ खड़ा हूं, उनके साथ चलूं इंशाल्लाह। सर ये फरमा दीजिए कि कुछ पीटीआई के जो रहनुमा हैं गिरफ्तार हुए और उनको फिर रिहाई मिली और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया अंटिल कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की पीटीआई को छोड़ने की, उनको कोई वक्त नहीं दिया गया, मौका नहीं दिया गया। अडियाला जी उनसे रिहा होते हैं सीधा नेशनल प्रेस क्लब जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या ये सब कुछ किसी प्रेशर के अंदर हो रहा है या लोग क्यों छोड़ नहीं, रहे मुझे हैं? मुझे आइडिया नहीं है इस बात का। देखिए हमारा तो बड़ा सिंपल था क्योंकि मेरी पेरेंट पार्टी शुरू से पीएमएलक्यू थी, आज भी मैं जो एमएनए हूँ पीएमएलक्यू का एमएनए हूँ। तो मेरे वालिद साहब ने ये फैसला लिया था कि जो कुछ हुआ है उसके बाद उनका दिल और जहन नहीं मानता था कि वो इस अलायंस का हिस्सा रहे, इसी तरह मेरा दिल और जहन नहीं मान रहा था, तो उनके इस फैसले का मैंने साथ दिया है और इंशाल्लाह ताला आगे भी साथ अच्छा दूंगा। अच्छा सर, इरफान दुनिया टीवी से सवाल ये है कि चौधरी बरादरान की जो गिरफ्त थी पंजाब के ऊपर और जो इनकी आपस में इतिहाद था उसकी मिसाल दी जाती थी, लेकिन हमने देखा कुछ माह पहले ये दरार आ गई जो आपने जिक्र भी किया, तो क्या फिर उस दरार को कवर करने के लिए तो विद इन फैमिली परवेज अली साहब और शुजात साहब और वजाह साहब के दरमियान कोई ऐसी बातचीत चल रही है कि वो बाहर हो इंशाल्लाह जाए? इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे। जैसे आपने कहा कि जैसे मैंने भी कहा कि हमारे से कुछ ऐसे फैसले हुए थे जो आज के वक्त में गलत साबित हो रहे हैं, बट इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोग एज ए फैमिली शुजात साहब की गाइडेंस के साथ इंशाल्लाह आगे चलें। सर मोनस अलाई साहब और चौधरी परवेज अलाई साहब ये काफी में वापस आ रहे हैं और मोनस मुझे साहब पाकिस्तान आइडिया कब नहीं, जा रहे हैं, कोई आइडिया नहीं। आपकी कब वापसी है पाकिस्तान? मेरी इंशाल्लाह, मैं फैमिली ट्रिप पे आया हुआ था, मैं इंशाल्लाह वापस चला जाऊंगा। ये सब लाहौर में जैसे आपके घर पे भी पुलिस रेड हुआ, आपके भी उसके बाद चीजें तब्दील होना शुरू हुई 9 मई के बाद, तो 9 मई को जो कुछ हुआ उस पर